एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कश्मीरी दम आलू। और इस रेसिपी की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो हम चिलीज यूज करते हैं प्यूरी बनाने के लिए, वो एक्चुअल में कश्मीर में ना होकर राजस्थान में उगाई जाती है ना इंटरेस्टिंग। और ये रेसिपी बहुत ही इजी और क्विक है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गो। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 से 300 ग्राम बेबी पोटैटोस लिए हैं, जिनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हम इसको किसी फोर्क या टूथपिक की हेल्प से इसके अंदर छोटे छोटे होल्स कर लेंगे, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से ये पोटैटो सोक कर सके। अब हम ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 6 से 7 कश्मीरी लाल मिर्च को वार्म वाटर में 30 मिनट के लिए सोक होने रखा था। चिलीज को सोक करने से पहले आप उसके सीड्स निकाल लें। उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमें प्यूरी की फॉर्म में ग्राइंड करना है। दही मैंने 3.5 कप ली है। ये दही रूम टेम्परेचर की है। हम जो चिली प्यूरी हमने बनाई थी उसको हम इस दही में एड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और अपने पोटैटोस को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें हम पोटैटोस को डीप फ्राई करते हैं। जब आप पोटैटोस को पैन में डालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आप उसको स्पैटुला में रखकर डालें, ताकि ऑयल आपके ऊपर ना आए और इजीली आप पोटैटोस को उसमें पैन में डाल दें। यहाँ पर पैन आपको मीडियम हीट पे रखना है और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए, अब हमारे पोटैटोस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको किसी पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे, ताकि अगर इसमें कुछ एक्सेस ऑयल है तो वो पेपर टॉवल सोक कर ले। ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 2 बे लीव्स या तेजपत्ता, काली मिर्च 3 से 4, जीरा 1/2 चम्मच, लौंग 2 ली है मैंने यहाँ पर, एक बहुत छोटा सा पीस लिया है मैंने दालचीनी का, सौंफ 1/2 टीस्पून, ग्रेटेड जिंजर लिया है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून देगी मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। हमें ये सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये रोस्ट हो सके। अगर आप फ्लेम ज्यादा रखेंगे तो आपके मसाले जो है वो बर्न हो जाएंगे, उनका जो नेचुरल खुशबू है वो भी चली जाएगी। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे दही को। दही को डालने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको कंटिन्यूस स्टर करना है जब तक कि एक बॉयल ना आ जाए, अदरवाइज आपकी जो दही है वो फटने लगेगी। ये देखिए, अब इसमें एक बॉयल आ चुका है अच्छे से। सॉल्ट जब ग्रेवी में एक बॉयल आ जाए उसके बाद ऐड करना है। गरम मसाला मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। अब हम इसमें फ्राइड पोटैटोस को ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस ग्रेवी को 12 से 15 मिनट के लिए कवर करके सिमर होने देंगे। ये देखिए, सिमर होने के बाद हमारी ग्रेवी कुछ ऐसी दिख रही है। गार्निश कर सकते हैं और गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी आप ट्राई करिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।